हेलो फ्रेंड्स, आपण मानंकु नंबर सिस्टम क्लास टू को स्वागत। या पूर्वर आम गोटे क्लास कर सारी, तो आज आम क्लास टू करिबा एवं मोस्ट इम्पोर्टेंट एवं सिलेक्टेड क्वेश्चन डिस्कशन करिबा, जहाँकि जेकोसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे काम आसीबो। तो ता पूर्वर आपण जदि चैनल को सब्सक्राइब करना निहाती भावे सब्सक्राइब करूँ, गोटे लाइक करूँ एवं आपण मानंक फ्रेंड्स मानंक पाखकु शेयर करूँ। तो चलतु प्रथम प्रश्न आम आलोचना करवा। तो ये लिखाई देखु, सम ऑफ फोर कंजिक्यूटिव इवेंट नंबर इज 284, व्हाट वुड बी द स्मॉलेस्ट नंबर। माने चारोटी क्रमिक युग्म संख्यार समष्टि हो 284, चारोटी क्रमिक युग्म संख्या। तो आम जदि एक्स को एक्स नहीं सल्व करवा, प्रथमटा को एक्स नवा, तापर नेक्स्ट युग्म संख्या के देख गोटे एग्जाम्पल जो ना युग्म संख्या मान ले 2, 4, 6, 8, 10 यहपर आसो, मैंने गोटे रू आ गोटे संख्या के बढ़ुचे ना 2 बढ़ुची, 4 रू 6 को 2 बढ़ला, 6 रू 8 को 2 बढ़ला, 8 रू 10 को 2 बढ़ला। तो प्रथम संख्या जी एक्स ना, द्वितीय संख्याटा के ना एक्स रे 2 बढ़ईदे मैंने एक्स प्लस 2, तृतीय संख्या के ना एक्स प्लस 2 रे पुणी 2 बढ़ईदे मैंने एक्स प्लस 4, एवं चतुर्थ संख्या के ना एक्स प्लस 4 रे 2 बढ़ईदे जोटा कि एक्स प्लस 6, आउ ये सब मिसले के 284। तो प्लस करदे प्लस करदे इक्वल टू 284 लिखा। तो कतेटा एक्स अच्छी देखीदे, 1, 2, 3, 4, 4x यहाँ मुझे काउंट करुच काटू ना है, तापर 2, 4, 6, 6, 12, 4x प्लस 12 इक्वल टू 284। ताहले 4x इक्वल टू के ना 284 ए जो प्लस 12 अच्छी माइनस 12 हो, तो यहाँ हो 4 रु 2 गला 6, 8 रु 1 गला 7 आसीगला 4 रु 2 गला 2, 8 रु 1 गला 7, तो 272 होगा। 4x इक्वल टू होगा 272, 4x इक्वल टू 272, x इक्वल टू 272 डिवाइडेड बाय 4, तो के 424 और 432, तो 68 है एक्स रैल्यू। स्मॉलेस्ट नंबर कौटा, तो प्रथम आम एक्स नहीं, एक्स प्लस 2 नहीं, एक्स प्लस 4 नहीं, एक्स प्लस 6 नहीं, तो सान संख्या कौटा ये भितर एक्स, तो 68 हो करेक्ट आंसर। के 68 हो करेक्ट आंसर है। देखा नेक्स्ट को जीवा, देखो व्हेन 1/7 एटा गोटे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, व्हेन 1/7 ऑफ ए नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर इटसेल्फ, इट गिव्स द सेम वैल्यू एज द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, व्हाट इज द नंबर। व्हेन 1/7 ऑफ ए नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर इटसेल्फ, माने गोटे संख्या रु तार एक विभक्त का 7 अंश जदि तुम माइनस करूछ तले ता का सहित समान होची ना सेम वैल्यू ए दि सम ऑफ ए ऑल ट्रायंगल्स, माने गोटे त्रिभुजर तीन कोणर समष्टि संगे समान, गोटे संख्या रु से संख्यार एक विभक्त को 7 जदि तुम माइनस करुच ताहले सेटा केते होउची ना 180 डिग्री सहित समान होउची। एटा बुझेबा पई मु एमिति करली, तो आमे कोण करिबा संख्याटी को एक्स नै जिबा, तो एदुर केते माइनस करिबा ना तार एक विभक्त को 7 गुण एक्स र 1/7, ता अर्थ है एक्स माइनस एक्स इंटु 1/7, ता अर्थ एक्स माइनस एक्स बाय 7 इक्वल टू केते हेबो बोली कहुची ना त्रिभुजर तीन कोणर समष्टि, त्रिभुजर तीन कोणर समष्टि केते ना 180 डिग्री। तो आम पाइगले कौन ना एक्स माइनस एक्स बाय 7 इक्वल टू 180, एक्स माइनस एक्स बाय 7 इक्वल टू 180। तापर लसा गला 7 एलसीएम जोटा एक्स सहित मल्टीप्लाई होगा ए 7 7x यहाँ भग्नांशर विजोग, तापर एक्स इक्वल टू 180, 7x रु एक्स गले के 6x लिखुची, 6x इक्वल टू ए 7टा ये हरण हो सैटी गले गुण हे 180 इंटु 7, तो 6 आउ 180 को आम एम काटिदे पार 6, 3, 18, 6, 0, 0 मैं 30, 7, 210 एक्स रैल्यू है 210, ताले संख्या टी के
210. Next, the sum of the digits of a two digit number is 14 and the difference between the two digits number of the number is 2. What is the product of the two digits of the two digits numbers? So, gotiye kon kahuchi gotiye dui anga bishishta sankhya. The sum of the digits of a two digit number is 14. Mane gotiye dui anga bishishta sankhya ro anka manankar samashti 14 ebong semanankar difference ta hauchi 2. ताहले तार प्रोडक्ट केते एटा बहुत सहजिया प्रश्न मन करो गोटे संख्या नेलो सेही संख्या रो एकक अंक को तमे ने जाओ वाई आउ दशक अंक को ने जाओ तमे ए एकक अंक को एक्स दशक अंक को ने जाओ वाई ताहले एटा को जोग करले केते हे अंक गुडी को एक्स प्लस वाई इक्वल टू केते हे ना 14 बोली कहूची आउ सेमानकर डिफरेंस ता केते 2 बोली कहूची एमेते लिखि देबा y जदि दुईटा को जोग कर देबा देखो प्लस y माइनस y कटि गेला x x आसीला 2x आ 14 आ 2 आसीला केते ना 16 ताहेले x इक्वल टू केते 16 * 2 जोटा होची 8 x रो वैल्यू जदि 8 हैला x आ y मिसले जदि 14 होची x रो वैल्यू 8 दुईटा मिसले 14 माने y टा केते हेतिबो निहाति भाबे 6 हेतिबो 8 आ 6 अंक गुडा कहला 8 आ 6 तो तुमको कौन मांगी ना प्रोडक्ट मांगी प्रोडक्ट 8 आ 6 रो प्रोडक्ट केते गुणफल केते ना 48 48 हिजबो करेक्ट आंसर नेक्स्ट 13 टू द पावर 5 प्लस 14 टू द पावर 5 प्लस 15 टू द पावर 5 प्लस 16 टू द पावर 5 इज डिविजिबल बाय देखो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एटा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो आ गोटे कथा मन रखु यही सब आर आई अमीन अंगनवाड़ी सुपरभाइजर पर क्लास स्टार्ट पेड क्लास स्टार्ट जदि आप चाहिए जॉइन करेंगे यही नंबर में मेसेज करेंगे 8658984556 डिटेल्स आर आई अमीन ओनली 399 रोचे अंगनवाड़ी सुपरभाइजर पर 599 रोज पेमेंट कोर्स कम्प्लीट जाए मॉक टेस्ट तुमर पीडीएफ सब दिया हो जी नंबर कांटेक्ट करि पारबे तो एटा में भी डिस्कशन करबा 13 टू द पावर 5 प्लस 14 टू द पावर एटा डिविजिबल बे का द्वारा डिविजिबल हेबो तो गोटे फार्मूला अछि मने पकांतु x टू द पावर m प्लस a टू द पावर m इज डिविजिबल बे का किए ना x प्लस a जते बेले m गोटे कोन होइतिबो ना अजुग्म संख्या होइतिबो m गोटे जदि अजुग्म संख्या तहले एटा x प्लस a द्वारा डिविजिबल हेबो हैला माने घात समान थिबो एवं अजुग्म होइतिबो घात तो एई फार्मूला आमे पकेबा x टू द पावर m प्लस a टू द पावर m इज डिविजिबल बाय x प्लस a तो एई केस रे देखो m जोटा होची सेटा अजुग्म संख्या होची कि नाही अजुग्म संख्या होची सब आ सेटा का द्वारा डिविजिबल हेबो ना x प्लस a द्वारा डिविजिबल हेबो तो आमे खाली सजेई देबा ऑप्शन देखिबा 29, 31, 39, 129 अच्छी तो कहाँ कहाँ को मिसेले 29 हेबो कि 31 हेबो कि 39 हेबो कि ये देखा है तो आम देखा 29 टू टेस्ट कर देखा तो आम जो 13 एवं 16 को ऐड कर देबा 13 टू द पावर 5 प्लस 16 टू द पावर 5 डिविजिबल बा किए हेबो 13 प्लस 16 द्वारा डिविजिबल हेबो आम फॉर्मूला हिसाब से 29 हेबो तो यही संख्या 29 द्वारा डिविजिबल तापर एई दुईटा को देखिबा 14 टू द पावर 5 प्लस 15 टू द पावर 5 एटा मध्य 14 प्लस 5 द्वारा डिविजिबल ए 14 प्लस 15 द्वारा दैट इज 29 द्वारा डिविजिबल है वोइटा तो एटा को जदि हमें सजे के लिखि देबा 13 प्लस 5 प्लस 16 प्लस 5 प्लस 14 टू द पावर 5 प्लस 15 टू द पावर 5 तो एटा 29 द्वारा डिविजिबल एटा भी 29 द्वारा डिविजिबल तो ये होल संख्याटा का द्वारा डिविजिबल हेबो ना 29 द्वारा डिविजिबल निहाती भावे हेबो तो आंसर हेबो 1 नेक्स्ट व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ 7 टू द पावर 139 7 टू द पावर 139 रो यूनिट डिजिटटा केते तमे यदि 7 को 139 थरो गुण करिवो ताहेले एकक अंक केते हेबो तो तमे यदि गुण करिवो बहुत दिन लागि जिवो तो आमर गोटे फर्मूला अच्छी आधार माने बेस
बेस जदि अजुग्म ऑड नंबर आउ एही ऊपर जो तुम इंडेक्स अच्छी घात अच्छी सेटा जदि फोर द्वारा डिविजिबल फोर द्वारा डिविजिबल हेले यूनिट डिजिटा के हेबो ना वन हेबो फॉर्मूला मन रहिला तुमर बेस गोटे अजुग्म संख्या ही सात अजुग्म संख्या एवं 149 यही जो अच्छी घात जोटा अच्छी सेटा जदि चार द्वारा डिविजिबल हेबो ताले यूनिट डिजिटा वन हेबो तो एबे हमें टेस्ट करिबा 139 फोर डिविजिबल कि चार तीन बार है 19 चार चौ 16 तो 3 माने तीनटा रही जाऊँगी तो यहाँ को आम लिखिपर केमी लिखिपर देख ता अर्थ कौन 136 चार द्वारा डिविजिबल 136 चार द्वारा डिविजिबल चार तीन बार चार चौ 16 136 चार द्वारा डिविजिबल तो एबे आम कौन लिखा 7 टू दि पावर 139 को लिखिपर 7 टू दि पावर 136 प्लस 3 एमती लिखिपर आईटा को आम केमी लिखिपर 7 टू दि पावर 136 इंटू 7 टू दि पावर 3 लिखिपर तुमर गोटे फर्मूला अच्छे मन रख ए टू दि पावर एम इंटू ए टू दि पावर एन आधार जदि सामान अच्छी घात मिसी जाए ए टू दि पावर एम प्लस एन हुए तो यही एम प्लस एन को एमती लिखिपर तो यहाँ एम प्लस एन फर्म्रे अच्छे यहाँ एम प्लस एन फर्म अच्छी तो ए टू दि पावर एम ए टू दि पावर एम ए टू दि पावर एन लिखिले तो यहीटा केतजा यार एकक अंक के अजुग्म संख्या सात गोटे अजुग्म संख्या एवं 136 चार द्वारा डिविजिबल तो यार एकक अंक होगा वन वन होगा यार एकक अंक होगा वन एवं सात रात तीन तार एकक अंक के सात गुण सात 49 49 गुण सात जो करवा 343 तो यार एकक अंक के ना तीन है यार एक अंग है वन वन आउ थ्री मल्टीप्लाई हेल्ले के थ्री हो तो एकक अंक हो थ्री नेक्स्ट व्हाट लिस्ट नंबर मस्ट बी एडेड टू 1056 सो दैट सम इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 23 माने 1056 रे केते क्यों क्षुद्रतम संख्या जोग कले सेटा 23 द्वारा डिविजिबल हेबो तो आमे कौन करवा प्रथम 1056 रे केते जोग कले कहूँ तो 1056 23 द्वारा डिविजिबल जदि अटे ताले 0 जोग करवा जदि डिविजिबल नुह ताले देखिबा केते हेबो तो 23 रे एटा को आमे हरण करवा 23 गुण 3 जदि करवा 3 3 9 69 हे जीवो 4 जदि नबा 4 3 12 4 2 8 और 5 जदि नबा देखो 1056 5 जदि नबा 5 3 15 5 2 10 115 हे जाउची तो हमको 105 दरकार तो एटा तुम जानी छ हला मु एटा खाली जस्ट कहूची फॉर्मालिटी दृष्टि रु कहूची तो चेयर गला 4 3 12 2 हाथ रहला 1 4 2 8 92 5 3 2 गला 3 तो 136 23 रे केते गुण करबा 23 रे यदि 6 गुण करबा केते होजी देखियो 6 3 18 6 2 12 1 13 तो 138 हे जाउची अपने 5 करबा तबे 5 करतिले 115 हेतला या पूर्वरु तो 6 रु 5 गला केते 6 रु 5 गला एठी मु लिखि दुची 1 तीन रु दुई गला केते ना 1 तो भागशेष रही गला केते 1056 को 23 रे भाग कले भागशेष रही गला केते ना 21 तो एई 21 जेहेतु रहिला सेटा सेति पई भाग हो नाइ तो 21 जगह रे यदि 23 हे थांता ताहेले सेटा भाग हे थांता तो 21 रे केते जोग कले 23 हेबो ना 2 जोग कले तो सेति पई हमर आंसर हेबो केते ना 1056 जदि तुमे 2 जोग करिवो ताहेले तमरो एटा 23 द्वारा डिविजिबल हेबो फाइंड दि सम ऑफ फर्स्ट 37 ऑड नंबर्स प्रथम 37 अजुग्म संख्यार जोगफल केते प्रथम 37 अजुग्म संख्यार जोगफलटा केते हला तो फॉर्मूला मु कोई देखो एटा गोटे लाइन रे हेबो प्रथम दुईटा अजुग्म संख्यार जोगफल केते चार माने दुईटा संख्या अछि एटा 0 स्क्वायर प्रथम तीनोटी अजुग्म संख्यार जोगफल केते 9 माने तीनोटी संख्या अछि माने 3 रो स्क्वायर 9टा 3 रो स्क्वायर एमे लिखि परबा कि नै प्रथम चारोटी संख्या केते केते आ एटा जोग कले केते हेबो 7 5 12 3 15 1 16
षोहल माने चार स्क्वायर तो जेतोटी अजुग्म संख्या दिया होची तार जोगफलटा तार स्क्वायर तो ये 37 अड़ नंबर जोगफल जदि कहूँ तेल 37 स्क्वायर हो तार एनसर माने प्रथम एन टी अजुग्म संख्या बा अड़ नंबर जोगफलटा होची एन स्क्वायर एन टी अजुग्म संख्यार जोगफल है एन स्क्वायर तो 37 अजुग्म संख्यार जोगफल 37 स्क्वायर तो ये देख सात सता अणचाश न आसब कौटी न अच्छी ये गोटे जगार खाली न अच्छी और बाकी रे नाही तो एनसर हो 1369 ना तुम्हें 37 इंटू 37 करा ना यही अप्सन देखिए तुम कर। नेक्स्ट व्हाट कुड बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्यू इन द इक्वेशन 5p9 प्लस 3r7 प्लस 2q8 इक्वल टू 1111 4 माने क्यू रो वैल्यू केते हेबो एई जगह रे कोठी 5p9 प्लस 3r7 प्लस 2q8 जार वैल्यू टाबो 1114 तो कार मैक्सिमम वैल्यू कहूँ ना क्यू रो मैक्सिमम वैल्यू जेहेतु कहूँ बाकीटा को आम जीरो करदे एपी आउ क्यू को आम कौन करदे ना जीरो करदे हैला पी आउ क्यू को कौन करदे जीरो करदे ये जीरो करदे तो ये तापर जोग करदे एकक अंक है 9 9 7 16 16 8 है 24 चार आसा आदर रहा के 2 तो 2 आसला जेहेतु ये के वन अच्छी तो दुई रे केते जोग कले वन आसिबो बा 11 हेब 9 कि नाही हाथ रे रहिला 2 तमरो एक 9 7 16 8 24 हाथ रे रहिला 2 चार गला 2 तापर 1 आसुची 1 आसुची माने कोन दुई रे केते जोग कले 1 आसिबो 9 जोग कले 1 आसिबो तो एई क्यू रो मैक्सिमम वैल्यूटा केते हे पारिबो ना 9 हे पारिबो। नेक्स्ट व्हिच नंबर इज डिविजिबल बाय 4 क्यों संख्याटा चार द्वारा विभाज्य तो सर्टकट ट्रिक अच्छी चार द्वारा विभाज्य हेपाई सर्टकट ट्रिक है सर्टकट ट्रिकटा कौन चार द्वारा विभाज्य केते बेले हेबो गोटे संख्या जिते बेले तार एकक अंक एवं दशक अंक को नहीं गठित संख्या चार द्वारा डिविजिबुल माने यही दुई एकक दशक को लेकिन जो चार द्वारा डिविजिबुल 89 78 88 यही भितर जी भी 87 है माने एकक अंक एवं दशक अंक को लेकिन गठित संख्या जो चार द्वारा डिविजिबल होती से टोटाल संख्या चार द्वारा डिविजिबल 87 चार द्वारा डिविजिबल नुह 89 भी नुह 78 को देखा 4 के 4 38 है 4 9 36 सेटा भी नुह तो 88 चार द्वारा डिविजिबल तो से संख्या चार द्वारा डिविजिबल। नेक्स्ट व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 257 टू द पावर 166 माइनस 243 टू द पावर 166 इज डिविजिबल बाय 500 जिते बेले यही संख्याटा 500 द्वारा हरण हेब ताहले भागफल केते ए सॉरी भागशेषटा केते रिमाइंडरटा केते तो एबे सेही फॉर्मूला को मने पकाओ एक्स टू द पावर एम माइनस ए टू द पावर एम का द्वारा डिविजिबल ना एक्स प्लस ए द्वारा डिविजिबल जिते बेले एम गोटे अजुग्म संख्या एम गोटे अड नंबर तो देख 166 अड नंबर नुह एम गोटे इवेंट नंबर है एम गोटे इवेंट नंबर फर्मूला भूल कह तो यहीटा एक्स टू दि पावर एम माइनस ए टू दि पावर एम का द्वारा डिविजिबल हे ना एक्स प्लस ए द्वारा डिविजिबल हे जिते बेले एमटा इवेंट युग्म संख्या तो 166 गोटे युग्म संख्या 257 देख ए फॉर्म अच्छी कि नहीं एक्स टू दि पावर एम उपरटा सामान अच्छी देख बोथ केस 166 अच्छी आमटा गोटे युग्म संख्या अच्छी तेल क्या द्वारा डिविजिबल ना एक्स प्लस ए द्वारा डिविजिबल तो एक्स प्लस एटा के 257 आ 243 मिसले के 257 जोग 243 जो तुम कर 500 हो तो यहाँ 500 द्वारा डिविजिबल है 500 द्वारा डिविजिबल जो है तार भागशेष के 0। यूनिट डिजिट ऑफ 784 टू दि पावर 126 प्लस 784 टू दि पावर 127 यार यूनिट डिजिटा के देखा।
तो ये आम कहते कौन कहते एक्स टू मान तल मान आधार जदि जुग्म होती बेले अजुग्म पढ़ी आधार बा बेस बेस जदि इवेन एवं उपर संख्या जदि चेयर द्वारा विभाज्य मान घातटा जदि चेयर द्वारा विभाज्य ताहले एकक अंगटा छ हुए एटा मन रख जदि इवेन इवेन टू दि पावर डिविजिबल बाय फोर होता ताहले छ हुए कौन एक अंक तो 784 गोटे कौन 784 गोटे युग्म संख्या एवं एटा देखिबा डिविजिबल कि नुह चेयर द्वारा 126टा चेयर द्वारा डिविजिबल कि नुह देखिए चेयर तीर 12 चेयर को चेयर माने दुई रही जाऊछि हला तो एटा को आमे एमिति लिखि परिबा 784 दुई हेतु रहूछि 124 प्लस 2 प्लस 784 124 प्लस 3 एमिति लिखि परिबा कि नै निहाति भाबे लिखि परिबा तो तापरे ए टू दि पावर एम एन रीनिंग हूँ ए टू दि पावर एम इंटू ए टू दि पावर एन 784 टू दि पावर 124 इंटू 784 टू प्लस 784 124 इंटू 7 रो 3 तो यार एकक अंक के यहाँ जुग्म उपरटा छ द्वारा विभाज्य एकक सरी चार द्वारा विभाज्य एकक अंक है छ आउ यार एकक अंक के चार चाऊ 16 चार चाऊ के चार चाऊ 16 16 मान 6 आसीगला यार एकक अंक यार एकक अंक है छ एटा पुणी सरी 7 मुझे लिखी ये 784 3 है तो चेयरटा तीन थर गुण हेल्ले के चेयर चाऊ 16 चाऊ 64 चेयर तो यहाँ आसला के 6 6 36 आउ 6 4 24 तो यार एकक अंक है 6 यार एकक अंक है चेयर दुईटा मिसीगले के 6 आउ चेयर मिसीले है 10 10 है मान एकक अंक के 0 है हिसाब से तुम कर गोटे देखा एक्स प्लस वाई इक्वल टू 15 आउ एक्स वाई इक्वल टू 56 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एटा करिबा एक्स प्लस वाई इक्वल टू केते दिया है 15 आउ एक्स वाई दिया है 56 तुम्हें जदि एक्स प्लस वाई रो होल स्क्वायर फॉर्मूला पकेबो कौन हुए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy हुए कि नहीं तुमको कौन मागी ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मागी तो ये 2xy को ए साइड को नहीं गले एक्स प्लस वाई रो होल स्क्वायर माइनस 2xy इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हम कि नहीं एक्स प्लस वाई रो होल स्क्वायर माइनस 2xy इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो एक्स प्लस वाई रो स्क्वायर माने 15 रो स्क्वायर माइनस 2xy 2 इंटू 56 2 इंटू 56 इक्वल टू एयर वैल्यू 15 रहा वर्ग 225 एटा गुण कर 15 × 15 आउ 50 × 100 आउ 6 × 12 112 माइनस होगा 225 × 112 जब माइनस करुच के 113 113 हो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख एति बेल जाए जब भल लगी गोटे लाइक सेयार निहाती भाव कर तापर देखा इफ 1 + 2 + 3 + 10 पर्यंत जदि 55 होउछि ताहेले 6 + 12 + 18 60 रो वैल्यू केते हला तमरो दिछि कोन 1 + 2 + 3 + 10 पर्यंत दिछि 55 आउ तमो कोन दिछि ना 6 12 18 60 पर्यंत केते हेबो देखिबा 6 12 18 लिखि देबा एठी 6 + 12 + 18 60 पर्यंत देबा तो 6 जदि हरण हैला केते हेबो 6 कि 6 जदि कॉमन गला 6 × 12 6 × 3 18 एमिति कॉमन नै पारिबा कि नै 10 ताहेले 6 इंटु एयर वैल्यू केते दैछि 55 दैछि 55 इंटु 6 50 × 6 300 6 × 5 30 330
हला नेक्स्ट देखो वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर एमिति देछि 20 स्क्वायर पर्यंत देछि 2870 तहले 2 रो स्क्वायर प्लस 4 रो स्क्वायर 2 रो स्क्वायर प्लस 4 रो स्क्वायर प्लस 6 रो स्क्वायर प्लस 40 रो स्क्वायर टा केते बोली मागिछि हला तो एटा को हम केमिति लेखि पारिबा मु प्रथमे कहि दिए 2 रो स्क्वायर प्लस 4 रो स्क्वायर प्लस 6 रो स्क्वायर प्लस 40 रो स्क्वायर को आमे एटा को लेखि पारिबा 2 रो स्क्वायर को 2 रो स्क्वायर चेयर को आमे केमिति लेखि पारिबा 2 गुण 2 माने तार स्क्वायर प्लस 2 गुण 3 एमिति लेखि पारिबा आ 40 टा 2 गुण 20 एमिति लेखि पारिबा 2 रो स्क्वायर प्लस ए आर रो मीनिंग कोन 2 रो स्क्वायर इनटू 2 रो स्क्वायर प्लस ए आर मीनिंग 2 रो स्क्वायर इनटू 3 रो स्क्वायर ए आर मीनिंग 2 रो स्क्वायर इनटू 20 रो स्क्वायर तो सबुतिरे 2 रो स्क्वायर रहुजु कि नाही प्रत्येक टर्म रे रहिला ऊपर लेखि दउ जे 2 रो स्क्वायर यदि रहिला तो एठु आसी गेला 1 एठु आसी गेला केते 2 रो स्क्वायर हला तापर एठु आसी गेला 3 रो स्क्वायर एमिति 20 रो स्क्वायर आसी गेला 1 माने 1 रो स्क्वायर तो 2 रो स्क्वायर टा केते 4 आ यार वैल्यू केते दिया है जे 2870 दिया है जे गुण कर दबो 11 है जीवो करेक्ट आंसर हला नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा तो एतिक क्वेश्चन अछि यदि भलो लागु छै हम नेक्स्ट पार्ट 3 आनिबा नेक्स्ट पार्ट 3 एवं तमरो सब क्वेश्चन खत्म कर देबा नंबर सिस्टम रो हला यदि भलो लागु छै कमेंट लाइक शेयर करि पारो